पंजाब किंग्स से रिलीज किए गए मैक्सवेल जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में आए, उन्होंने बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल दिया। कहां पिछले सीजन में वो एक भी छक्का नहीं मार पाए थे, कहां आज मुंबई के खिलाफ आते ही उन्होंने छक्के बरसाने शुरू कर दिए। गौरतलब है कि आईपीएल 2020 बायो सिक्योर बबल में संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। ये सीजन मैक्सवेल के लिए खास नहीं रहा था। मैक्सवेल का पिछला सत्र निराशाजनक रहा था और वो 13 मैचों में कुल 108 रन बना पाए थे और विकेट भी सिर्फ एक निकाल पाए थे। यही कारण था कि वो आईपीएल नीलामी में 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस से उतरे थे। बेंगलुरु के मैक्सवेल को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से कड़ा मुकाबला किया और 14.25 करोड़ रुपए में उन्हें हासिल कर लिया था। आज की पारी देखें तो मैक्सवेल ने मन बना लिया है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी का पैसा वसूल करवा देंगे। बहरहाल प्रीति जिंटा के मैक्सवेल को नीलामी के लिए रिलीज करने का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने प्रीति को याद दिलाया कि ग्लेन मैक्सवेल यूएई में भले ही ना चलें, लेकिन भारत में जरूर चलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने 28 गेंदों में 39 रन बनाए। उनका कैच आईपीएल डेब्यू कर रहे क्रिस लिन और विकेट यानी संदे लिया। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।